छात्र को तो कुत्ता बना दिए हैं, कभी यहाँ जाता है कभी वहाँ जाता है, कभी यहाँ जाता है वहाँ जाता है, मांगते मांगते थक गया। कबीरा तेरे राज में उल्टी देखी रीत, अनपढ़ ढोंगी राज करे और शिक्षित मांगे भीख। तो आज हम लोग शिक्षा के लिए यहाँ बैठे हैं, भीख मांग रहे हैं। सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं उनको याद दिलाने में टाइम नहीं लगेगा कि जेपी का आंदोलन क्या था और नया आंदोलन यहाँ फिर स्टार्ट हो जाएगा। गर्दनीबाग धरना स्थल पे है, यूथ कांग्रेस के द्वारा यहाँ पे आमरण अनशन किया जा रहा है, क्या कुछ पूरा मामला है इन्हीं से जानेंगे। यहाँ पे सैकड़ों जो स्टूडेंट लोग है वो आए हुए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम नीरज कुमार झा हुआ। क्या कुछ मामला है? मामला है आपको बिहार में जो है बड़े बड़े विश्वविद्यालय है, जो नामी नामी विश्वविद्यालय, उन्हीं विश्वविद्यालय में सब बड़ा विश्वविद्यालय पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, जो बहुत सोच समझ करके बिहार सरकार और सबके सहमति से संघर्षों के बाद बनाया गया था 2018 में, लेकिन वहां पर आज तक कोई भी वीसी जो आते हैं सिर्फ और सिर्फ विश्वविद्यालय के तरक्की के जगह अपना तरक्की देखते हैं। अभी जो आपको प्रेजेंट में जो वीसी हैं डॉक्टर राकेश कुमार सिंह, जिसके खिलाफ एक साल से संघर्ष चल रहा है, वो और उनके द्वारा नियुक्त किए गए प्रभारी प्राचार्य सब के सब घोटालेबाज हैं, और बीजेपी से जुड़े आदमी को ही उनमें ज़्यादा प्रभारी प्राचार्य बनाया जाता है, और वही प्रभारी प्राचार्य कॉलेज से छात्रों से अवैध तरीके से वसूल करके और जो वीसी को दो दो लाख तीन तीन लाख रुपया महीना पहुंचाते हैं, और वो फिर आगे क्या करते हैं वो जाने। ये बात भी सदन में विधानसभा में ये क्वेश्चन जब उठा और ये शिक्षा मंत्री स्वीकारें कि हाँ कुलपति के द्वारा ऐसा ऐसा किया गया है, अभी 11 प्राचार्य हैं, 11 प्रभारी प्राचार्य जो अवैध तरीके से नियुक्त हैं, राजभवन इस चीज़ पे नोटिस जारी किया लेकिन अभी तक किसी प्रभारी प्राचार्य को नहीं हटाया गया। बीसी को शो कॉज हुआ, बीसी को पावर सीज हो गया, लेकिन उनको हटाया क्यों नहीं जा रहा है? आप बताइए, जब कोर्ट में ये हो जाता है साबित कि कोई मर्डर किया है तो उससे फिर एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा जाता है, उसको सजा दिया जाता है, और अभी का सजा है कि उस पर विजिलेंस जाँच हो, अभी का सजा है उनको पदमुक्त किया जाए और एक योग्य और ईमानदार आदमी को पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में बैठाया जाए। आपको क्या लगता है क्यों नहीं हटाया जा रहा उनको? मैं हमको जो लगता है, हम लोग को यही लगता है कि पूरा साठ गांठ है सबका मिला हुआ आपस में, इसीलिए नहीं हटाया जा रहा है। आप सोचिए कि बीजेपी के MLC प्रोफेसर राजेंद्र गुप्ता जो हैं वो अभी MLC हैं, लेकिन वो वाणिज्य विषय के डीन बने हुए हैं, क्योंकि जो MLC होता है वो छुट्टी पर चला जाता है, तो वो डीन कैसे है? क्या उनको दोनों जगह से सैलरी मिल रहा है? ये भी मुद्दा उठा था कि किसी एक जगह से सैलरी मिलना है, जब पूर्व हम लोग के जो शिक्षा मंत्री थे तो स्वीकारे थे कि एक जगह से सैलरी मिलता है, तो क्या इनको दोनों जगह से सैलरी मिल रहा है? लेकिन ये बात नहीं है, इनको इसलिए बनाया गया ताकि ये राजभवन से इनका संरक्षण कर सके। बीजेपी अनशन पे बैठे हुए आप लोग क्या कुछ मांगे? हम लोग का पहला मांग है कि डॉक्टर राकेश कुमार सिंह जो पाटलिपुत्र से वीसी हैं उनको पदमुक्त किया जाए। दूसरा मांग है कि तिलका मांझी विश्वविद्यालय के जो वीसी हैं जो उन्हीं के राह पे चल रहे हैं उनको भी पदमुक्त किया जाए। और तीसरा जो आम मांग, जो इतना भी प्रभारी प्राचार्य हैं जो गलत हैं, जो नियम के विरुद्ध हैं, उनको तत्काल हटाया जाए, क्योंकि वही लोग छात्रों से अवैध वसूली करते हैं, और जो इन विद्यार्थियों को जानबूझ करके अब्सेंट करके फेल किया गया है, जिनका साल बर्बाद हो रहा है, उनका सब कुछ चेक करके उनके रिजल्ट को सही किया जाए, और जो छात्र संघ चुनाव जो 5 साल से नहीं हो रहा है पूरे बिहार में उसको जल्द से जल्द करवाया जाए, और जब तक ये मांग नहीं पूरा होगा तब तक आमरण अनशन, चाहे 13 अगस्त हो या 14 अगस्त हो या 15 अगस्त, ये चालू रहेगा। क्यों यहीं पे बैठे रहेंगे? क्योंकि 15 अगस्त आप जानते हैं देश के लिए कितना गर्व का दिन है, और उस दिन अगर ये भ्रष्टाचारी लोग झंडा फहराते हैं तो ये झंडे का अपमान है, इसीलिए बैठे रहेंगे हम लोग, नहीं होती है। क्या नाम हुआ? सागर कुमार श्रीवास्तव। क्या कुछ मांगे? जैसा कि इन्होंने बताया, भ्रष्ट वीसी, भ्रष्ट कुलपति, और कहावत है एक तो बहुत अच्छा है कबीरा का, कबीरा तेरे राज में उल्टी देखी रीत, अनपढ़ ढोंगी राज करे और शिक्षित मांगे भीख। तो आज हम लोग शिक्षा के लिए यहाँ बैठे हैं, भीख मांग रहे हैं। जैसा बताया कि MLC साहब हैं, डीन भी हैं और विधान परिषद भी जाते हैं, तो आप समझ रहे हैं कि किस साठ गांठ की तरह से यूनिवर्सिटी और कॉलेज चल रहा है। लग रहा है कि आपकी मांगे पूरी होगी? अब सरकार के पास हमारी मांगे जा रही है और हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग आमरण अनशन पे हैं, बैठे रहेंगे, ये सरकार को डिसाइड करना कि हमारे मांगे पूरी करती है कि नहीं करती है। और आपको पता होना चाहिए कि स्टूडेंट छात्र आंदोलन कितना आंदोलित होता है, आपको भी पता होना चाहिए, और शायद बिहार के इधर बिहार में आप शायद भूल चुके हैं यहाँ के जो भी छात्र आंदोलन से निकले हुए हैं। अभी सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं उनको याद दिलाने में टाइम नहीं लगेगा कि जेपी का आंदोलन क्या था और नया आंदोलन यहाँ फिर स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए सरकार भी कान खोल के सुन ले और भाई चांसलर भी कान खोल के सुन ले और प्रोफेसर भी कान खोल के सुन ले। आप एक बात बताइए, क्या बात है कि सारे वीसी यूपी से ही आते हैं?
इससे पहले भी एक वीसी के घर में करोड़ों रुपया पकड़ाया था और वीसी ने सीधा इल्जाम लगाया कि राजभवन तक रुपए जाते हैं। हमारे यहाँ नहीं है पढ़े लिखे लोग, हमारे यहाँ प्रोफेसर नहीं है, हमारे बिहार से वीसी नहीं बन सकते हैं, कौन लाता है? हमारी सरकार लचर व्यवस्था में तो यूपी से वीसी लेके आती है कि उनका साठ गांठ से सरकार चले, हमारा शिक्षा उच्च शिक्षा सब बर्बाद हो जाए। इसलिए यहाँ पे बैठे हुए जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, मांगे पूरी नहीं होगी तब तक बैठे रहेंगे। और एक चीज़ और बता देते हैं, स्वतंत्रता दिवस है 15 तारीख को, ठीक है, इससे पहले भी एक बार लचर व्यवस्था में सरकार थी तो रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पर झंडा फहरा था, और एक आंदोलित जगह है, धरना स्थल है, यहाँ भी अगर झंडा जिस दिन फहरेगा छात्रों का तो सोच लीजिए इससे बड़ी भ्रष्टाचारी सरकार, निकम्मी सरकार, और इस सरकार शर्म के लायक नहीं, उससे बेहाया शर्म के लायक नहीं रहेगी। और भी लोग उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ सीएम श्रीवास्तव। हाँ, क्या कुछ मांगे हैं? मांगे यही है हमारे कि जो हमारे बीसी हैं, हमारे महान बीसी, हमारे बहुत बहुत महान बीसी डॉक्टर आरके सिंह, उनको यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि वो ही जब से आए हैं तब से खाली भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार कराए हुए, छात्र को तो कुत्ता बना दिए हैं, कभी यहाँ जाता है कभी वहाँ जाता है कभी यहाँ जाता है वहाँ जाता है, मांगते मांगते थक गया, एक बार से हो रहा है, बार 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 हम लोग आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना मांग मांग रहे हैं, कोई पूरा नहीं हो रहा है और ना ही कोई इस पे कार्रवाई कर रहा है। सबको पैसा दे के मुँह बंद करवा दिया जाता है, या सबको पावर से मुँह बंद करवा दिया जाता है, या हम जैसे छात्रों को डरा करके मुँह बंद करवा दिया जाता है। डराया नहीं जाएगा, अगर हम लोग पे केस होगा, हम लोग का जिंदगी बर्बाद होगा तो हम लोग डरेंगे नहीं। अरे आज हमारे भैया के कारण आवाज़ थोड़ा उठाया जा रहा है, हम लोग को कुछ किया करने का मौका मिल रहा है, तो हम लोग आए हैं यहाँ पे, लेकिन जो हाल जिसका, लड़की लोग तो उससे भी ज़्यादा विवश, लड़की लोग का तो जब देखता है कि ऐसा ऐसा बात है तो लड़की लोग का घर वाला और डर के उसको धमका देता है कि छोड़ दो पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, अब तुम्हारा शादी ब्याह करके हटा देते हैं यहाँ से, क्या करें? प्रोटेस्ट में दो ही लड़की है बस, इसीलिए डर के कारण दो लड़की आई है, डर के कारण, बाकी सब लड़की के घर के गार्जियन ही उसको डरा दिए हैं, और ये सब हुआ है डॉक्टर आर के सिंह के कारण, सबसे बड़ा गुनहगार वही है। चलिए यहाँ पे दो लड़कियाँ भी आई, इनसे भी बात, डर के आप बाकी की लड़कियाँ नहीं आई हैं? नहीं। क्या कुछ मांगे हैं? इसका इनका बैक लगा दिया गया, बैक लगा दिया गया। हाँ मैम, क्यों? मेरा रिजल्ट में बैक लगा दिया है कि मैं एग्जाम में प्रेजेंट थी, तब पर भी बैक क्यों लगाया गया? मेरा मांग पूरी कर दिया जाए। अरे बैन पूरा असाइनमेंट बना कर दी हूँ, टनल एग्जाम में भी प्रेजेंट थी, फिर भी बैक क्यों लगाया? हमको क्या पता कि क्यों क्यों बैक लगा गया? ऐसे ही बिना कोई? हाँ, कंप्लेंट किया आपने? हमने भैया को भी बोला तो भैया बोले कि हाँ सही हो जाएगा। यूनिवर्सिटी में? हाँ गए थे। तो क्या बोला गया वहाँ पे? तो वो ने बोला कि एप्लीकेशन ले लिया और कुछ नहीं बोले, बस बस एप्लीकेशन ले लिया। हाँ, कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं, सुनवाई नहीं हुई, नहीं कुछ नहीं हुई अभी तक। हाँ, तो मांगे वीसी को हटाया जाए। हाँ, चलिए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के वीसी राकेश कुमार सिंह को हटाने की मांग कर रहे हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि आमरण अनशन पे बैठे रहेंगे जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती। बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।